बलिदानी राम भक्त। महाराज जी नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार जी। महाराज जी दिनेश मिश्रा बोल रहा हूँ टीवी से, फैजाबाद से। जी 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 जी। महाराज जी आज जो कार्यक्रम हुआ है अपने यहाँ पर 108 अंजलि दी गए जो शहीदों के नाम पर, जी जी, इस कार्यक्रम में आपने कुछ मोदी जी से डिमांड भी किए हैं, कुछ ऐसा भी कहा है, तो क्या रहा पूरा कार्यक्रम? पूरा कार्यक्रम में था कि 108 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, जिसमें रामलला के मुख्य पुजारी भी थे और भी कुछ दो चार यहाँ से गणमान्य लोग थे, इन लोगों के द्वारा हम आज जो है तो उनकी आत्म शांति के लिए हम लोगों ने शांति पाठ किया शहीदों के। और इसके बाद जो है हम लोगों ने चार डिमांड रखा। पहली बात तो कि 2 नवंबर के दिन गोली जब चली, जो लोग शहीद हो गए हैं उनके लिए आज तक कोई स्मृति भवन नहीं बनाया गया, कोई जो है तो स्मारक नहीं बनाई गई, तो एक स्मृति भवन की हमने डिमांड किया जिसमें उनकी स्टेचू लगनी चाहिए। और दूसरा हमने कि जिसके लिए उन लोगों ने प्राण अपने आहूत किए, अपने प्राण निछावर कर दिए, वो रामलला का मंदिर कानून बना के शीघ्र राम मंदिर का निर्माण हो। तीसरा उनके परिवार में जो भी हो उसको सरकारी नौकरी सरकार दे। और चौथा एक डिमांड हमने उनसे रखा कि भगवान राम के आदर्शों को जन जन में प्रतिष्ठित करने के लिए लॉर्ड राम यूनिवर्सिटी, भगवान राम विश्वविद्यालय बनना चाहिए। जय श्री राम तो सब लोग बोलते हैं लेकिन जय श्री राम के बारे में लोग अब जानना धीरे धीरे कम हो गया है। तो गांधी जी के जो था कि गांधी जी जीवन भर राम जी को कहते रहे रघुपति राघव राजा राम, और ये सब तो वो धीरे धीरे वो जो राम जी का वो था धीरे धीरे नई पीढ़ी में वो खत्म होता जा रहा है। तो लॉर्ड राम यूनिवर्सिटी बने जो विश्व के लिए एक आदर्श हो और उसमें हर तरह की सारी शिक्षाएं होनी चाहिए हर तरह की, तो उसके लिए चार डिमांड के साथ में हमने जो है आज ये एक शोक सभा और उनकी आत्म शांति के लिए शांति पाठ कराया। अच्छा, 6 दिसंबर को जो शौर्य दिवस मनाया जाता रहा है, तो उस शौर्य दिवस के अवसर पर जो शिलान्यास की बात आपने कही थी, जी जी, तो क्या उसको मोदी जी एक्सेप्ट करेंगे? अब ऐसा है कि हमारा तो यह है कि 6 दिसंबर को जो ढांचा गिराया गया था, तो हमारा यह कि मोदी जी 6 दिसंबर को उसके पहले वो जो है तो बिल ले आए और कानून बना करके 6 दिसंबर को आ करके यहाँ जो है तो शिलान्यास करें, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाए। जिस तरह से पटेल जी ने नेहरू जी के विरोध करने के बाद भी पटेल जी कानून बना करके सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराए, उस समय जो है उस समय के मौजूदा राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वहां आकर के शिलान्यास किए थे। सोमनाथ के तर्ज पर हम चाहते हैं कि 6 दिसंबर को मोदी जी आकर के शिलान्यास करें और राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाए। ठीक महाराज जी, थैंक यू। हाँ जय श्री।